हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे कटोरी ब्लाउज का नाप कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया है, प्रिंस अभी सिंपल ब्लाउज का नाप कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। लेकिन अभी क्या हो जाता है, कभी कभी जो नए सिलने वाले होते हैं उनको समझ में नहीं आता, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, प्रिंसेस कट ब्लाउज का नाप जो है वो कैसे निकाले। अब देखिए, प्रिंसेस कट ब्लाउज का नाप जो है हर किसी का जो तरीका होता है कटिंग का वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे हम बताते हैं कि जैसे कटिंग तो मैंने प्रिंसेस कट की भी अपलोड की हुई है, लेकिन उसका नाप जो है वो कैसे निकालते हैं ये मैं पहले आपको बताऊंगी, उसके बाद आपको उसकी कटिंग भी बताऊंगी। अब देखिए, जब भी हम नाप लेते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज का, तो पहले हमें ब्लाउज की लंबाई नापनी पड़ती है। तो इस साइड में हम पहले ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। ये देखिए, यहाँ पे यहाँ से जो शोल्डर है हमारा, यहाँ से हम लंबाई नापते हैं। 13.5 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई आती है और 10 इंच पे हमारा बैक साइड का नेक आता है। ये देखिए, 10 इंच पे हमारा बैक साइड का नेक आता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, शोल्डर जो है शोल्डर को नापना है। तो गला आपको इस तरह से रखना है, गला अच्छे से सीधा इस तरह से जैसे हमारी फिटिंग आती है वैसे आपको गला जो है वो आपको नापना है। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको गला जो है वो अच्छे से नापना है। ये देखिए, 11 इंच हमारा शोल्डर आता है। गला आपको राउंड शेप में अच्छे से रखना है, क्योंकि शोल्डर हमारा जैसा बैठता है वैसा ही आपको लेना है। तो 11 इंच हमारा शोल्डर निकलता है। अभी शोल्डर का नाप निकला हमारा 11 इंच। इसमें हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पे गले का मार्किंग करेंगे और 5.5 इंच पे हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे ये जो है ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है, एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ के हम चेस्ट का नाप निकालेंगे। अभी चेस्ट का नाप आता है हमारा 9 इंच, चेस्ट का 1/4 आता है हमारा 9 इंच। अभी 9 इंच लेना है और उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो सिलाई मार्जिन के लिए लेते हैं। अब देखिए, ये जो कटिंग होती है किसी किसी को अलग होती है, इसमें ही बढ़ाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले जब भी कटिंग करते हैं तो पहले हम पेपर के ऊपर कटिंग करते हैं, डायरेक्ट हम कपड़े के ऊपर कटिंग नहीं करते हैं। इससे क्या हो जाता है, जैसे हमारा जो ये दोनों पार्ट जो होते हैं फ्रंट साइड के वो बढ़ाने पड़ते हैं, इससे ये जो प्रिंसेस कट जो है वो अच्छा आता है। इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आप चेस्ट का नाप निकालोगे तो यहाँ से आपको कमर का नाप निकालना है। तो कमर का 1/4 आता है हमारा 8 इंच। अभी कमर का 1/4 हमारा 8 इंच आया। अब देखिए, सिंपल जो ब्लाउज है उसी तरीके से मैंने आपको यह ब्लाउज का नाप जो है वो लिया है। यहाँ पे हमारा गला जो है वो 5.5 इंच आता है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये गला जो है वो 5.5 इंच आता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने पहले बैक साइड का नेक लिया, नेक बैक साइड में हमारी लंबाई ली, लंबाई में हमें 1 इंच प्लस करना पड़ता है। उसके बाद हमें बैक साइड का नेक नापा, गला नापा, तो 10 इंच हमारा गला आता है। उसके बाद हम फ्रंट साइड में क्या करते हैं, शोल्डर को नापते हैं। तो जितना हमारा शोल्डर आता है शोल्डर का हाफ हम लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने चेस्ट का 1/4 नापा। अब जितना हमारा चेस्ट का 1/4 आता है उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद हमने कमर का 1/4 नापा, कमर का 1/4 नापने के बाद उसमें भी आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद हमने ये गला जो है वो 5.5 इंच पे है वो नापा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्लीव्स है शोल्डर के बिल्कुल सामने, यहाँ पे स्लीव्स को नापना है। ये स्लीव्स आती है हमारी 4 इंच, इसकी लंबाई जो है, लंबाई आती है हमारी 4 इंच। और ये देखिए, यहाँ पे हमारा इसका बॉटम आता है हमारा 6.5 इंच, इसका बॉटम 6.5 इंच आता है। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो हमारा प्रिंसेस कट आता है, यहाँ पे हमारा जो प्रिंसेस कट आता है इसे हमें क्या करना पड़ता है, ये दोनों पार्ट जो होते हैं, ये जो पार्ट और ये जो पार्ट होता है, ये हम अलग अलग निकालते हैं। फ्रंट साइड जब हम अलग अलग निकालते हैं तो इसे जैसे यहाँ पे हम 1/4 इंच और यहाँ पे हम 1/4 इंच बढ़ाते हैं, तो इसे अपोजिट साइड से हमें 1/4 इंच बढ़ाना पड़ता है। जैसे इस साइड में 1/4 इंच बढ़ाते हैं और इस साइड में 1/4 इंच बढ़ाते हैं, फिर बीच में हम जब सिलाई लगाते हैं तभी हमारा ये प्रिंसेस कट जो है वो अच्छा फिटिंग में बैठता है। तब देखिए, यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज का नाप जो है वो कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया है। बहुत सिंपल है, इतनी नाप हमें लेने पड़ते हैं, लंबाई लेनी है और चेस्ट का 1/4, कमर का 1/4, फ्रंट और बैक साइड का नेक लेना है और स्लीव्स की लंबाई और बॉटम रखना है। इस तरीके से इतना नाप लोगे तो भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है इसका नाप कैसे लेना है। अभी इसकी कटिंग भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ।
तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।